तमाम पॉलिटिकल खबरों से जो आज की सुर्खियां बनी हैं और आईएनएस 24/7 आपको उन पर अपडेट भी दिखाता रहेगा। शुरुआत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के देश में आग लग जाएगी वाले बयान से। सियासी पारा बढ़ चुका है। पीएम मोदी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता खुद के चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहे लेकिन देश को धमकी दे रहे हैं कि अगर भाजपा जीतती है तो देश में आग लग जाएगी। इसके अलावा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश की जनता पीएम मोदी के साथ है इसलिए राहुल गांधी के मन में आग लग रही है। इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी की बातों में ना तो कोई तथ्य होता है ना कोई गंभीरता होती है। अब बता दें आपको कि विपक्ष की रैली के दौरान राहुल गांधी ने कह दिया कि अगर बीजेपी इन चुनावों में जीतती है और संविधान बदल देती है तो देश में आग लग जाएगी। हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता खुद के चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहे हैं, वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इस पर मौन रहते हैं लेकिन वो देश को धमकी दे रहे हैं कि अगर बीजेपी जीती तो देश में आग लग जाएगी। राहुल की बात पर भरोसा कौन करता है? राहुल जो बोलते हैं उसमें कोई तथ्य होता नहीं ना गंभीरता होती है। उनकी खुद की पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती तो कोई कैसे क्या करेगा। मैं आज जबलपुर के दौरे के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के सफल प्रवास के बाद यहां से मालवा जा रहा हूं। उज्जैन इंदौर अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे और जिस प्रकार से चुनाव ही पारा चढ़ रहा है मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कांग्रेस के अच्छे पते नहीं लग रहे हैं। कांग्रेस बहुत पीछे रह गई लेकिन इसका जवाबदार अगर कोई है तो राहुल गांधी है। उनने कांग्रेस को गंभीरता से लिया ही नहीं ना चुनाव को गंभीरता। मेरा ख्याल है कि ऐसी ना समझ वाली बात इस स्तर के नेता को नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से देश में विकास हो रहा है जिस तरीके से देश की जनता भाजपा के साथ और मोदी जी के साथ शायद उनके मन में आग लग रही होगी इसलिए उनको ऐसा लगता है। बाकी देश विकास कर रहा है देश में प्रगति हो रही गरीबी दूर हो रही और इसलिए इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बात नहीं करना चाहिए।